ओके हैवरी वन सो टूडे लेट सर डिस्कस वन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सो इट्स इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ आई स्प्रिंग मास सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन दैट इज़ हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आर सपोज द ऑजिलेटिंग पार्टिकल इज रिप्लेसड बाय अनादर पार्टिकल ऑफ डबल द मास वेल द एम्पलीट्यूड रिमेन्स द सेम द न्यू मैकेनिकल एनर्जी विल फाइन सो यहाँ पे देखो मास को हम डबल कर देंगे राइट एम हो जाएगा टू एम एंड एम्पलीट्यूड विल भी सेम देन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी आप देखो ऐसा लग रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी भी डबल हो जानी चाहिए बट वॉट अबाउट ओमेगा क्या ओमेगा मास पर डिपेंड करता है वॉट इज ओमेगा फॉर आ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के बाई एम नाउ स्प्रिंग तो सेम है मीन्स के सेम है बट मास अगर हम डबल करेंगे दैन ओमेगा भी चेंज हो जाएगा सो so एक काम करते हैं ओमेगा को हम रिप्लेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट के बाई एम सो यहाँ से हाफ एम ओमेगा को क्या लिखोगे अंडर रूट के बाई एम इसका स्क्वायर दैट विल बी के बाई एम इन टू ए स्क्वायर सो आप देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी मास के इंडिपेंडेंट है एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर एम्पलीट्यूड सेम है एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी सेम है देन मास पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा राइट right? सो वी कैन से एनर्जी विल रिमेन ई जब तक एप्लीट्यूड नहीं चेंज होगा एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट नहीं चेंज होगा बिकॉज आप देखो मास को अगर हम डबल करते हैं देन जो ओमेगा है वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज यहाँ से मास इंक्रीज हो रहा है एंड ओमेगा डिक्रीज हो जा रहा है बिकॉज ओमेगा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन ओके इसकी वर्किंग आउट बेस्ट ऑफ लक मैं